Hey guys, so good morning. Welcome to my new blog. आज मैं जाने वाला हूँ फिशिंग पॉट लेने के लिए। तो ऑलरेडी मेरे घर में एक फिशिंग पॉट है जो कि छोटा है, छोटे साइज में। बट मेरी मॉम बोल रही थी कि बेटा ये छोटा है, बड़ा साइज का लेके आना है। तो एक्सचेंज करने के लिए जाऊँगा मैं। तो आज जाऊँगा मैं न्यू शॉप में जाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर गढ़ा बाजार के पास पे है, वहाँ पर मैं बात करके आ गया हूँ। तो आज जाने वाला हूँ मैं फिशिंग पॉट लेने के लिए, और वहाँ पर है बहुत सारी एडवांटेड और अजीब गरीब टाइप की मछलियाँ। मैं फ़िलहाल हूँ ऑफिस में, तो यहाँ ऑफिस का वर्क निपटा लेते हैं, फिर जाएंगे नाइट में, इवनिंग टाइम में जाएंगे पॉट लेने के लिए। तो मिलते हैं इवनिंग टाइम में। गाइस, तो हम लोग आए हैं अभी फिशिंग पॉट खरीदने के लिए, जिसके अंदर मछली तैरती है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ फिशिंग पॉट। और हम लोग आए हैं यहाँ पर संजीवनी नगर के पास है शोरूम, छोटी सी शोरूम दुकान है, यहाँ पर मिलती है मछली और फिश जो घर पे पालते हैं वो वाली, फिशिंग पॉट और सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ। तो चलते हैं, आपको यहाँ की फिश बताते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फिश हैं, क्योंकि सी से आई हुई हैं, सी समुद्र से मिलती हैं वो मछलियाँ। तो यहाँ पर हैं, बताते हैं आपको, और लेके भी जाएंगे तो पूरा रहेगा इसमें। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत अजीब गरीब और ब्रांडेड टाइप की मछलियां हैं यहाँ पर। संजीव नगर पर है भैया की दुकान, और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आपको लोकेशन दे दूंगा और दुकान का नाम भी बता दूंगा। तो आप भी आके यहाँ पर मछलियां ले सकते हो, और मैं लेके जा रहा हूँ। ये रखा है मेरे यहाँ का पॉट, अब इसको लेके जाना है घर। तो अब चलते हैं, व्यवस्था बनाना पड़ेगा। वैसे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं, संडे है, हमारे यहाँ का मार्केट भी चल रहा है, और भैया की दुकान गढ़ा बाजार के पास पे ही है, तो भीड़ बहुत है, तो देख के लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, मछलियाँ बता दी हैं आपको, और आपको अगर लेना हो तो आप भी आ सकते हैं इस दुकान पर, और बाकी डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ। चलते हैं घर। तो भैया से संपर्क कर लेना, और भैया मिलेंगे आपको दुकान पर, आप इनसे आके संपर्क कर लेना, और बाकी ब्लॉग करिए।
रही थे यार। गाइस ये है मछली। गाइस ये हमारे फैन हैं, ये देखो जी मछली देख रही है ना, कह रहा मछली देखो। तो आ गया है पॉट घर में, बहुत मुश्किल से आया, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और मैं बता दूं आपको, हम यहाँ पर आई हैं यहाँ पर मेडिकल के पास, जया किशोरी का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पर है बड्डा डरा ग्राउंड, वहाँ पर आई है भागवत सुनाने के लिए। तो उसके चक्कर में और ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, और संडे मार्केट का दिन रहता है हमारे यहाँ का, तो और भीड़, डबल टेबल भीड़। उसके चक्कर वैसे ही लेके आए हैं, बहुत मुश्किल से लेके आए, उसमें पानी यानी भर के हम मछली छोड़ेंगे, फिर दिखाएंगे मस्त छोटा वाला व्यू आपको। तो भैया तो आ गए हैं, अब आएंगे, और कछुआ लेने भी गए थे दूसरी दुकान पर, अब शायद पता नहीं वहाँ कछुआ मिला कि नहीं मिला, तो देखते हैं। आ गए मिला कि नहीं, भाई बाइट वाली सार खा चुकी है, दो दो तुम अपने बुला। क्या देख रही हो वहाँ, क्या है, क्या है वहाँ पे, मछली तो मछली है वहाँ। ये डब्बा के अंदर घुसेड़ दे, घुसेड़ के ढक्कन लगा दो, बड़े डब्बे में तो आ ही जाएंगे। स्टूल लेके डिब्बे के अंदर क्या है, मछलियाँ था। क्या है डिब्बे के अंदर, क्या है उसमें, मछलियाँ। तनु उसमें क्या है, क्या है उसमें, कुछ है नहीं, क्या है उसमें, क्या है वो, क्या है वो, क्या है ये, क्या है कुन्नु बुलवाते हैं ना। अच्छा बोलो कुन्नु। A few minutes later. मस्त लग रहा है ना, देख इन्हें भी पत्थर डाल, इन्हें भी कारी जिन तक डाल। कछुआ के देख रहे हैं कि आए काय आए जो इतने चिपकोसु है। देखो जी देखो जो कहा है, देखो कन खोज रहे का 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 है, तो जो यही के खाद गाई रही लग रहा हूँ सार का। बेटे पहले से सूजी होगी भगवान, हम अंदर की अंदर सूजी होगी, कोई इनका कैसा भी कर दूँ अंदर बच्चे सूजी होगी, हमारे कछ नहीं पे आए, जवान जवानी सब काटती कह रहे थे कि कछ नहीं पे आए, कछ नहीं पे आए, ऐसे कह रहे थे। योता मंडरा रही है पूरे, उनको दिमाग खराब हो गया कर रहे। स्प्लेंडर ले रही ड्यूक से मंग पंगा, देख 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 लेना, देख गई सट गई, क्लच छोड़, क्लच 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 छोड़े ना एकदम से, तो फिर देखो देवाल खाली हुए, देख
बाहर नहीं आने का, बाहर नहीं आने का, कांच के अंदर ही रहने का। खोद रहा है वो कांच को? खोद नहीं रहा, वो सोच रहा बाहर चला जाऊं मैं। सार सच जुगाड़ में है भाई, उनको दिमाग और कैसे चल रहा है। वो की पुच्ची खींच रही भाई, बा भाइयों की पुच्ची खींच रही मनाली। अभी उनका जगह चाहिए है बेबा, बड़ी वाली ना। हाँ निंजा कर। उसने पूरा ठेका लिया है, जब पेड़ गिर जाए तो उनको खड़ा करने का। मुझे उनमें लगा के लग गए, देख देख भाई ये जिसकी पुच्छी दिख रही ना पीछे, मसक दी रही, तभी तो वो ट्यूब पर चला गया ना।